नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, ये नाइन्थ क्लास RBSE नाइन्थ क्लास का एक राजस्थान GK के संबंध में अब अपना एक मुहिम चल रहा था कि RBSE नाइन्थ क्लास की जो पुस्तक है उसको खंडों में बांटकर इसका अध्ययन कराया जा रहा है। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको बनाया गया है। ये आज इसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला है, वो ज़रूर देखें आप। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि सेकंड चैप्टर में क्या क्या दिया गया है राजस्थान के रिलेट में, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड और रीट के लिए। रीट की जितनी परीक्षाएँ हुई हैं सभी RBSE से रिलेटेड हुई हैं। राजस्थान में तमाम भर्ती परीक्षाएँ अभी हुई हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा रही हो और चाहे वो पटवारी की परीक्षा रही हो, राजस्थान पुलिस की परीक्षा रही हो, सभी परीक्षाओं में मैक्सिमम प्रश्न यानी लगभग 80% पेपर इन्हीं पुस्तकों से आया है। और रीट के संबंध में देखा जाए तो 95% पेपर इसी से आया है। देखिए प्रश्न नंबर एक, भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया था? तो ये आपको समझना थोड़ा सा कि वो कौन बंदा था। तो रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। अच्छे से वीडियो को आप रोक करके आप लिख लेना प्रश्नों को तो बेटर रहेगा। अब वैसे रीट में समय कम है, फिर भी आप कोशिश करना। कविराज बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राजकवि और उनके काव्य गुरु माने जाते थे? वो किसके थे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मानसिंह के। किसके थे? मानसिंह के थे। देखिए नीचे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें इन्होंने लिखी हैं और इस ग्रंथावली में नागरी प्रचारणी सभा में से 3 खंडों को प्रकाशित किया गया था। जो इसकी इनकी जो ग्रंथावली है इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डूंगर जी को पकड़कर किस जेल में कैद कर दिया था? देखिए रीट में इसको लेकर के प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, आपके भी आने की पूरी संभावना है। तो किस किले में बंद कर दिया गया था? तो ये दे रखा है सोनारगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, आगरा का किला और लोहागढ़ का किला। तो इसमें जिसे बंदी बनाकर रखा गया था वो था आगरा का किला। साथ ही जानिए कि आखिर इसे पकड़वाया किसने था, ये जानना है। भैरू सिंह, देखिए एक व्यक्ति हैं भैरू सिंह, ये इनके साले थे, डूंगर जी का साला है, जो डूंगर जी है ना अभी जिनकी बात कर रहे हैं, इनका साला था, ने इसे पकड़वा दिया था। जवाहर जी ने अपने साथियों लोटिया जाट, करना मीना को लेकर डूंगर जी को छुड़ा लिया। मतलब जवाहर जी हैं जो, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के बाद में इन्हें छुड़ा लिया और नसीराबाद की छावनी पर हमला कर इसे लूट लिया था जवाहर जी और डूंगर जी ने। सुना होगा आपने, इनमें और भी नाम आता है, लोटिया जाट और करना मीणा। अगला क्वेश्चन, वीर सत्साई पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिशन। अगला क्वेश्चन, डूंगर जी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? देखिए अभी रीट 2021 में जो परीक्षा हुई है उसी में यह प्रश्न पूछा गया था, डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर। और भी कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, बीकानेर के राजा रतन सिंह ने जवाहर जी को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा। कहाँ के शासक ने? बीकानेर के राजा रतन सिंह ने जवाहर जी को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा। डूंगर जी को जोधपुर की सेना ने कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो कहाँ की सेना ने कैद करवा दिया था इसको? जोधपुर की सेना ने पकड़वा दिया था। आगे देखिए, लोठू जी निकारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में हुआ था। तो लोठू जो जवाहर जी डूंगर जी के साथ रहते थे, इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। ये भी एक रस्म चली हुई है, कई बार उनका पारिवारिक पूछे थे, जैसे भगत सिंह जी का, गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था या किस परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार में हुआ था जैसे। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था रिंगस में। कहाँ हुआ था? रिंगस में। और भी कुछ फैक्ट दिया गया है, डूंगर जी को आगरा दुर्ग से रिहा करवाया किसने? लोठू जी ने। मैंने पीछे बताया बालूनाई, खांसू, लोहार और करना मीणा इनके साथ थे जिन्होंने डूंगर जी को
अंग्रेजों की गिरफ्त से आगरा का किले से छुड़वाया था। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था? अपने आप में अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा अमरचंद बांठिया। देखिए अमरचंद जो बांठिया है ये एक व्यापारी था और ये ग्वालियर में यानी मध्य प्रदेश में क्या करता था, अपना एक व्यापार करता था। सारी संपत्ति तात्या टोपे को इन्होंने गिफ्ट कर दी थी साथियों। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम कौन व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था? अमरचंद बांठिया। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पर हुआ? तो विजय सिंह पथिक का जन्म है वो गुठावली, ये बुलंदशहर में आता है। कहाँ आता है? बुलंदशहर में आता है। और जो बुलंदशहर है वो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखें तो इसका गुठावली उत्तर हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछ जाता है आपसे, गलत हो जाए ऐसी आशा मत करना। अब इनके पास लिखा हुआ है संस्थापक थे किस किस चीज़ के? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के ये क्या थे? संस्थापक थे। आगे भी लिखा हुआ है संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिजौली किसान आंदोलन से इनका संबंध था और 1916 में ये बिजौली किसान आंदोलन से जुड़े थे। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाई थी? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सहस्त्र क्रांति और जनजागृति की अलग किसने जगाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और क्रांतिकारियों के लिए शिक्षा दीक्षा देने का काम भी इन लोगों का था। नाम है अर्जुनलाल सेठी। क्या नाम है? अर्जुनलाल सेठी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी 1905 में और इनके द्वारा जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट इनके संबंध फैक्ट हैं। देखिए आया भी है इसमें, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्जुनलाल सेठी। आप नीचे देखेंगे, जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को अर्जुनलाल सेठी ने कहा, अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा? काफ़ी अच्छा फैक्ट है। यानी जो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय थे वो कहते थे कि आप नौकरी करो, प्रधानमंत्री बन जाओ इधर। तो उन्होंने कहा था कि मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को इस देश से कौन भगाएगा या निकालेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस से अर्जुनलाल सेठी का संबंध नहीं है? कौन सा केस था जिससे अर्जुनलाल सेठी का संबंध नहीं है और है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए हार्डिंग बम कांड से इनका संबंध था, आरा हत्याकांड बिल्कुल था, काकोरी षड्यंत्र से इनका संबंध था, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनको ये प्रशिक्षण देने का काम करता था। जो मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड है इसमें इनका कोई रोल नहीं था। साथ ही मैं आपको याद दिला दूँ, एक प्रश्न है कि मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड के झूठे आरोप में किसे सजा हुई थी? तो केसर सिंह बारट। आगे देखिए प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकें हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। ये हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। आप लोगों को पता होगा जब इनका देहांत हुआ था तो ये ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो वहीं इनकी मृत्यु हुई थी और बताया जाता है कि इनको मुसलमान समझ करके दफना दिया गया था। आगे फिर से, केसर सिंह बारट की जन्मभूमि और कर्मभूमि क्रम से कहाँ है? देखिए केसर सिंह बारट का जो जन्म है वो शाहपुरा में हुआ था और इनकी कर्मभूमि जो रही है वो रही है कोटा। वैसे इनका गांव देवपुरा में हुआ था, शाहपुरा के गांव देवपुरा में केसर सिंह बारट का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया में 1300 सोठे, कितने सोठे? 1300 सोठे केसर सिंह ने लिखे थे और उन्हें लॉर्ड कर्जन के प्रभाव से बचाया था। अगला प्रश्न है, केसर सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण लेने भेजा था? केसर सिंह ने जोरावर सिंह जो इनके भाई थे छोटे, प्रताप सिंह जो इनके पुत्र थे यानी ईश्वरदान आसिया को किसके पास
क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था, तो इनका नाम है अमीचंद। क्या नाम है? अमीचंद है इनका नाम। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला देखिए, किस कांड में नाम आने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुंवर प्रताप सिंह है, ये केस सिंह बालट के पुत्र हैं साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इनको। तो इनका उत्तर हो जाएगा बनारस बम कांड में नाम आने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। तो चार्ल्स क्यूसलैंड द्वारा बरेली की जेल में इन्हें काफ़ी अवमाननाएँ यातना दी गई थी। उन्होंने कहा था कि दरवाजे पर तुम्हारी मारुति होती है, तो उसने इनके लिए पलटकर एक जवाब दिया था, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजार माताओं को रुलाना नहीं चाहता। 22 वर्ष की अवस्था में और 1918 में ये शहीद हो गए थे साथियों। और देखिए क्रांतिकारी कितना अच्छा रोल था इन लोगों का, जिन्होंने देश को आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई थी। नागौर में चरखा संघ व खादर भंडार की स्थापना किसने की थी? देखिए नागौर की बात कर रहे हैं, नागौर में चरखा संघ व खादर भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है राजस्थान में रही परीक्षाओं के संबंध में। बाल मुकुंद बिस्सा एक पहले राजस्थानी क्रांतिकारी थे जिनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो 42 में हुई थी इनकी। मैं बताऊंगा आपको, डीडवाना तहसील के पीलाव गांव में इनका जन्म हुआ था। डीडवाना नागौर के एक पीलाव गांव था, यहां इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान का जतिन दास कैसे कहा जाता है? तो ये बाल मुकुंद बिस्सा को जतिन दास कहा जाता है। राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल की थी इन्होंने, और बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी साथियों। बताया जाता है कि इनकी अंत्येष्टि में 1,00,000 लोग पैदल चलकर इनकी अंत्येष्टि में शरीक हुए थे साथियों। और आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की है? तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। तो आप लोगों को पता होगा ये सभी पुस्तकें इस महान शख्सियत की हैं, काफ़ी अच्छा नाम है इसका इतिहास में। और जैसलमेर में जो व्यवस्था चल रही थी जवाहर सिंह की और गुमान सिंह की, उनके विरुद्ध में इन्होंने अपना परचम लहराया था। और जैसलमेर में 3 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में मिट्टी का तेल उड़ेल कर साथियों इन्हें जीवित जला दिया गया था। ऐसे भी शख्स थे, और मरते समय भारत माता की जय नारे बोल रहे थे। और देखिए, नाना भाई खांट का संबंध किस घटना से है? तो नाना भाई खांट का संबंध है रास्तापाल कांड से। किससे है? रास्तापाल कांड से है। आप लोग देखेंगे कालीबाई अपने गुरु सेंगा भाई को बचाते हुए, कब उनका निधन हुआ था? तो 20 जून, कब यहाँ देख लिख रहे हैं ना, 20 जून 1947। ये घटना है 18 जून की, 18 जून 1947। देखिए घटना 18 जून 1947 की है, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद में कालीबाई का निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने टीचरों की क्या नाम है रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे, क्योंकि नाना भाई खांट और सेंगा भाई खांट को पुलिस की जो गाड़ी जिप्सी होती है उसके पीछे बांध कर खींचा जा रहा था साथियों, शिक्षा देने के एवज में। तो इतना बुरा वक्त था उस समय, और उन लोगों ने बड़ी महानता दिखाई है, नमन किया जाना चाहिए उन लोगों को। अगला प्रश्न, सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? सरदार हरलाल सिंह ये कौन है और कैसे हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था? सरदारपुर, वैसे झुंझुनू, और इसको अच्छे से देखे तो सरदारपुरा झुंझुनू में हुआ था। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। झुंझुनू में जो विद्यार्थी भवन है सरदार हरलाल द्वारा किया गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था मुझे कमेंट करके बताना। देखिए, अजमेर जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? केसरी बाल मुकुंद बिस्सा, दुर्गा प्रसाद चौधरी, सागरमल गोपा। तो 22वां क्वेश्चन है दुर्गा प्रसाद चौधरी ने, बहुत अच्छा प्रश्न है। दैनिक नवज्योति का संपादन जयपुर और अजमेर से दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया था। देखिए, इनका जन्म नीम का थाना में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा वर्धमान पाठशाला में हुई थी, जो वर्धमान पाठशाला, जो मैंने अर्जुन लाल सेठी के बारे में संबंध बताया था अभी आपको।
जानकी देवी बजाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जानकी देवी बजाज का संबंध सीकर से है, जानकी देवी बजाज सीकर से है। ये पंडित जमनलाल बजाज की धर्मपत्नी थी और 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी, जानकी बजाज की, जमनलाल राज बजाज की ये पत्नी थी। अग्रवाल परिवार में जन्मे अंजना दे यानी अग्रवाल परिवार में अंजना देवी चौधरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो अंजना देवी हैं ये अग्रवाल परिवार से हैं, अर्थात ये साथी बनिया परिवार से थी। तो ये लक्ष्मणगढ़ श्री माधोपुर, तो इनका श्री माधोपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पति का नाम, अंजना देवी के पति का नाम रामनारायण चौधरी था, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। सुनाए आपने, समस्त रियासत जनता में गर्भदान होने वाली ये पहली समाज सुधार मतलब पहली महिला थी। आप लोगों को ये समझ में आना है कि समस्त रियासत जनता में गर्भदान होने वाली पहली राजस्थान की महिला, ये गर्भदान तो और भी हुई हैं लेकिन ये पहली है, अंजना देवी चौधरी जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। देखिए, समाज सुधारक कार्य मेवाड़ और बूंदी में इन्होंने कार्य किया था। और आगे देखिए अगला प्रश्न, रतन शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से? अब देखिए, रतन शास्त्री हीरेलाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये जयपुर से इनका निवास था, कहाँ से, जयपुर की थी। और हीरेलाल शास्त्री, इनके संबंध में काफ़ी प्रश्न आते हैं। और 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी। काफ़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो ये बिजौली किसान आंदोलन से रमा देवी का संबंध है। इनका संबंध जयपुर से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखना, किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? जो किशोरी देवी का संबंध है ये पिछली बार रीट में आया था, रीट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है कि किशोरी देवी का संबंध किससे था। तो किशोरी देवी का संबंध है सीकर से। अब इसके संबंध में एक महासभा का आयोजन भी किया गया था, कठ्ठाथल सम्मेलन का आयोजन किशोर देवी द्वारा कब किया गया था? तो कठ्ठाथल एक सम्मेलन हुआ था, इसमें लगभग 10,000 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। और ये सम्मेलन 1934 को हुआ था और इसमें उत्तमा देवी एक महिला थी जो मुख्य प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आई थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। इसके संबंध में आपके भी रीट में प्रश्न आएगा, पिछली बार भी आया था। सीहोर के किस ठाकुर के विरोध में कठ्ठाथल सम्मेलन किया गया था? देखिए, बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि कुछ लोगों ने अवमाननाएं या महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार किया था। तो सीहोर के किस ठाकुर के विरोध में कठ्ठाथल में सम्मेलन किया गया था, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 29 क्वेश्चन है, तो वो है मान सिंह, यानी सीहोर के किस ठाकुर के विरोध में कठ्ठाथल में सम्मेलन बुलाया गया था? तो मानसिंह के, ठीक है, तो मानसिंह है। ये इनका गांव है सौतिया का बास गांव, किसान महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सौतिया का बास है बांसवाड़ा में और यहाँ पर एक सम्मेलन किया जा रहा था, तो यहाँ पर मानसिंह ने इनके साथ में क्या है, दुर्व्यवहार करवा दिया था, इसलिए कठ्ठाथल में 1934 को एक सम्मेलन बुलाया गया था। आगे देखिए, कठ्ठाथल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। मुख्य प्रवक्ता के रूप में उत्तमा देवी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और किशोर देवी के पति का नाम हरलाल था। हरलाल, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था हरलाल का संबंध किस, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो किशोरी देवी। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने अन्य साथियों को शेयर करना। साथियों, अगर आपका मन भा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए साथी इतना ही है, कल हम हाजिर होंगे एक थर्ड चैप्टर के साथ में। छोटे छोटे टुकड़ों में हम आपको वीडियो पेश कर रहे हैं। सिर्फ एक समस्या आई थी कि जो 10th क्लास का जो वीडियो बना था उसमें थोड़ा सा वीडियो सा मतलब पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। 3 घंटे 32 मिनट का वो वीडियो है, पूरा राजस्थान का जो GK है उसी में से पिछली बार रीट के और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है देख लेना, 1 घंटे के बाद में वो वीडियो पूरी तरह से दिख जाता है। बाकी मौका मिलेगा मैं और बनाऊंगा बाद में। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।